मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा प्यारा नमस्कार। प्रभु के साथ जो प्रतिदिन चलना बहुत खुशी की बात है ना। यीशु के साथ प्रतिदिन चलना, वो हमसे बोलते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। वो हमें कितना आदर सम्मान देते हैं ना, सोच के देखेंगे। आपका घर में दफ्तर में भी बोलते हैं, नहीं सुनते हैं, क्या कोई मुझे इज्जत देता, इसे आप कहते हैं ना। लेकिन प्रभु कहता, मेरा बेटा मेरा बेटी बोल के आपकी प्रार्थना को ध्यान से वो सुनता है ना। वो आपको इतना आदर देता है ना, इतना सम्मान करने के लिए क्या हम उसका लायक है। लेकिन प्रभु हमसे प्यार करने के चलते मेरा बेटा मेरा बेटी बोल के हमारे प्रार्थना को बहुत सुंदर से वो उत्तर देते हैं। उनके प्यार को सम्मान देना चाहिए। वो कहता है व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 12 वचन में, वो कहता है, देखिएगा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके घांधों के बीच रहा करता है। परमेश्वर का प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा। हम प्रभु यीशु के साथ शांति के साथ हम लोग रहते हैं। इस संसार में महामारी विपत्ति सारी बातें तो आएगा, विपत्तियां आएगी। अब प्रभु हमारा मन में चैन को दिया है, मेरा बेटा मेरा बेटी तुम डरो मत, अकाल के समय में मैं पूरा पूरा तुमको खिलाऊंगा और बढ़ाऊंगा, तुम चिंता नहीं करोगे, मेरे पास निडर होके वास करोगे। किसको कहता है? उनके प्रिय लोगों को। उनके प्रिय लोगों के बारे में परमेश्वर बाइबल में किसी किसी लोगों के बारे में कहा, येनोक के बारे में प्रभु कहता है, वो ये मेरा प्रिय दास करके कहता है। दानियल को कहता है, ये मेरा प्रिय जन करके वो कहता है। और आगे वो कहता है, दाऊद मेरा प्रिय संतान करके कहता है। क्या आप प्रभु के प्रिय रहते हैं? मैं इस प्रकार प्रार्थना दुआ में इस प्रकार कहता हूँ, प्रभु मैं आपके प्रिय बातों का कहना है। मेरे प्रेयर रूम में भी मैं परमेश्वर से इसी बात को कह कर लिखा हूँ, प्रभु आपका प्रिय जन रहने के लिए मुझे सिखाइए करके मैं प्रभु को कहता हूँ। ऐसे ही दुआ करते हैं, परमेश्वर का प्रिय जन रहिए, खुशी के साथ निडर के साथ आनंद के साथ रहेंगे। आप ही की मन के बात से प्रभु को नहीं कहना है, प्रभु की मन के बात को समझकर प्रभु जी आपका प्रिय जन आपका प्रिय संतान होने के लिए सोमताव करके कहिएगा। यदि आप अर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपको खुशी की जिंदगी को आपको देंगे। ठीक है पिताजी, आपका प्रियजन रहने के लिए हमें सिखाइए प्रभु, एक दानियल का समान दाऊद का समान येनोक का समान जीने के लिए। प्रभु जी अपने आप को हम लोग अर्पण करते हैं, आज हम पूरा पूरा समर्पित करते हैं प्रभु जी, तू हमें खुशी और आनंद देगा, इसलिए आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से पिता, आमेन आमेन।